Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज के करंट अफेयर्स के सेशन में वी आर गोइंग टू सी सम क्रूशियल करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रिलेवेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टूडेज सेशन. यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद. तो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट वन ईयर इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. इन यूपीएससी आई हैव अपीयर्ड ट्वाइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इन माई फोर अटेम्प्ट्स एंड फोर मेंस. I have also worked as Assistant Commissioner of Sales Taxes in Uttar Pradesh through UPPCS examination. I worked there for 3 years, after which I resigned from the service to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants, which I am doing successfully for the past 1 year. A Telegram channel Unacademy _ Anurag Singh, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF and further updates के लिए. मैं advise करूंगा annual price hike is scheduled on 9th of December. So उसके पहले subscription अगर लेना है आपको, you go for it now. तो द सब्सक्रिप्शन यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स, प्लस में अनलिमिटेड एक्सेस क्लासेस का और मॉक टेस्ट का, आइकनिक में 1:1 लाइव मेंटरिंग, स्टडी प्लानर एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. यू कैन सी द प्लान्स, 1, 2, 3 ईयर प्लान्स ऑफ प्लस एंड आइकनिक. यूज अ रेफरल कोड अनुराग, ANURAG, टू गेट अ 10% ऑफ ऑन दिस प्लान्स. एंड ऑल्सो आपको साथ में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर मेंटरिंग. एंड यू गोइंग टू गेट माई नोट्स ऑल्सो, द ई बुकलेट्स एंड द PDF. And this you can pay these amounts in installments, EMIs, and loans are available at 0% interest rates on the Unacademy platform for taking the subscription. So this is it. And ये देखिए 8 दिसंबर से नए batches शुरू हो रहे हैं. Wednesday, every Wednesday new batches are coming up. And this is my profile link. Anurag IMS is the search link upon the Unacademy app. Follow कीजिए. And आज 7:30 PM पर MCQ session है. Follow कीजिए. तो लेट्स प्रोसीड. आज है 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर, डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस. तो एवरी न्यूज वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव. फर्स्ट इज डीकोड इंटरलिंक अप्रोच, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से. मेंस में आंसर राइटिंग करना पड़ता है, इट्स सब्जेक्टिव. एंड इन आंसर राइटिंग द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन कम्स अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन? कुछ एक्स्ट्रा 10-20 रिलेवेंट वर्ड्स जो बाकी कोई लिख ना रहा हो पूरे इंडिया में, जिससे कि आपको +1 +2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए उस आंसर में. एंड इन दिस वे यू गोइंग टू गेट एटलीस्ट 50-60 मार्क्स अहेड ऑफ द अदर्स इन ओवरऑल पेपर्स. एंड सेकंड इज 360 डिग्री अप्रोच, इट इज फॉर द प्रीलिम्स. 360 डिग्री अप्रोच मींस कंप्लीट उस न्यूज का आस उस न्यूज के बारे में बैकग्राउंड चेक एंड जो भी खंगाल कर सवाल निकल सकते हैं उसे देखना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, निकालिए एटलस. एटलस की बहुत जरूरत पड़ती है इफ यू हैव डू 360 डिग्री चेक ऑफ द न्यूज. नेक्स्ट GS पेपर्स 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस निकालिए. एंड थर्ड पॉइंट, न्यूज नोटबुक एंड 3-4 कलर्ड पेन्स. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ. तो जैसा आपको पता है, मैंने सारे सिलेबस को डिवाइड किया सेक्शन वाइज. द फर्स्ट सिलेबस, द फर्स्ट सेक्शन इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. यहां से कल न्यूज था कल्चरल मैपिंग का, कल्चरल मैपिंग ऑफ 80 विलेजेस लिंक्ड विद फेमस फेमस फ्रीडम मूवमेंट पर्सनैलिटीज. आज यहां से कोई न्यूज नहीं है, आप देख सकते हैं. सेकेंड, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, इसका सिलेबस देखिए, GS पेपर 1 का ही पार्ट, इससे भी कोई न्यूज नहीं है. नेक्स्ट, GS पेपर 2-3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी इज अ टॉपिक ऑफ GS पेपर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज ऑफ GS पेपर 2. और आप देख सकते हैं यहां पे सिलेबस इनका कंप्लीट, ये देखिए. तो दिस इज द जो रेड पेन से लिखा हुआ है, दिस इज द इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक, ये देखिए. और यहीं से आज न्यूज आया फ्रंट पेज पर. द फ्रंट पेज न्यूज इज
pull off in the news linked to internal security. Let's see what is this internal security news linked to extremism, linked to the role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security, linked to border areas management and security challenges. Let's see this news. Army operation in Nagaland goes awry, 15 civilians dead. So mistaken fire ho gaya army ki taraf se, 6 killed in the mistaken fire, 9 more and a soldier dead in the retaliatory violence. 6 civilians mar gaye army ke fire se, aur uske baad retaliation mein log samne aa gaye, uska phir aur 9 people were killed and 1 soldier was dead, 2 are still missing out there. Ab ye army ka operation Nagaland mein. So Nagaland has been facing the extremist movement. Yes, extremist movement. Ye dekhiye, insurgencies face kar raha Nagaland. And Nagaland mein outfits, jo outfits, famous outfits hain, those who are carrying out these activities are National Socialist Council of Nagaland. Ye dekhiye, National Socialist Council of Nagaland, Isaac Muiwa Group, ये देखिए, बहुत ही दुखद समाचार ये आया, ठीक है, देखिए, Isaac Muiwa Group and National Socialist Council of Nagaland, Khaplang Group, ये देखिए, Khaplang Group, so there are two groups, NSCN में, National Socialist Council of Nagaland, these are two extremist groups carrying out, वहाँ पे they want a separate greater Nagaland territory. ये देखिए greater Nagaland territory, ये देखिए, so you can see here 15 civilians dead हो गए हैं, क्योंकि शक था, as per the intelligence inputs the army went for the operation and the operation went into a botched operation by the army in Mon district of Nagaland on the borders. Ye dekhiye Mon district, ye dekhiye Oting village mein civilians mar gaye, unconfirmed reports put the civilians death toll at 17. Maine kaha na, two are missing, two villagers have been missing since the incident, and the army has accepted the intelligence failure with a statement of regret. Ye dekhiye yahan pe, एंड किसके ऊपर फायरिंग हो गई, ये देखिए पिकअप वैन कैरिंग कोल माइनर लेबर्स, ये देखिए कोल माइनर जो लेबर होते हैं उनके वैन के ऊपर, पिकअप वैन के ऊपर फायरिंग हो गई गलती से, 15 लोग वहां मर गए, डेथ हो गई सामने. सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ, यू कैन सी इट हियर, दिस इज टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मिस्टेकन फायर. अब आप बोलिए ठीक है सर, ये तो न्यूज़ आया, क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी नागालैंड में क्या इंसर्जेंसीज चल रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स चल रहे हैं. मैंने दो का नाम ले लिया, इसमें Isaac Muiwa Group इज मॉडरेट ग्रुप, मैं बता दूं Isaac Muiwa Group ये मॉडरेट ग्रुप है. इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में एक एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट, यस, किस चीज़ का, सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है. एंड एग्रीमेंट का क्या मतलब था, दैट टॉक्स होंगे आगे के लिए, जो भी आपके डिमांड्स हैं, मींस वो भी डिमांड्स में देर इज नथिंग कॉल्ड एज कि आपकी टेरिटरी अलग होगी, नहीं, नथिंग लाइक दैट. सो वट एवर आर योर डिमांड्स रिगार्डिंग अन ऑटोनॉमी इन साइड द ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज काउंसिल्स या ऑटोनॉमी इन साइड इंडिया, उस पर बातचीत होगी, दैट वॉज इट. अब आप कहिएगा ठीक है सर, ये फिर उसके बाद सेंटर ने क्या किया, सेंटर रीचेज आउट टू द नागा इंसर्जेंट्स. ये देखिए यहाँ पे NSCN Isaac Muiwa Group terms Mon killings most unfortunate, say they cannot be justified in any manner. The union government has reached out to all Naga insurgent groups including the Isaac Muiwa faction of the NSCN following the killing of 15 civilians in an operation by the armed forces in Mon district of Nagaland. Following the killings, widespread protest, जैसे ही 15 लोगों की डेथ हुई, widespread protest, ये this was expected. Widespread protest came up in Nagaland and adjoining areas in Northeast. The NSCN IM, the largest Naga group, signed a framework agreement with the center in 2015 to find a solution to the Naga political issue. देखिए यहाँ पे. And it is one of the most unfortunate incidents of the Indo-Naga ceasefire signed in 1997. सन 97 से सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इतने लोग नहीं मरे थे एक साथ नागालैंड में. एंड
another government official, you can see it here, another government official is saying, देखिए, that the campaign to repeal the armed forces has also gathered steam. ये देखिए, तो what is armed forces special power act and इसको repeal करने की बात क्यों आ रही है? देखिए यहाँ पे क्यों campaign आ गया, armed forces special power act has gathered steam means the campaign to repeal it. Nagaland has been declared a disturbed area by the Union Home Ministry under AFSPA. And Armed Forces Special Power Act empowers the security forces to conduct operations anywhere and arrest anyone without prior notice. AFSPA पे पहले से ही नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. You might have heard about Iram Chanu Sharmila. Chanu Sharmila was the name of the lady in Manipur who carried out the protest against the Armed Forces Special Power Act. ये देखिए protest. अब आप कहिएगा सर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, सर बता दीजिए. आइए देखते हैं. इट ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू आर्म्ड फोर्सेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज. ये देखिए, स्टार्टेड इन नागालैंड, नागा हिल्स 1958, ये शुरू किया गया. ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ये देखिए, इट वॉज इन पंजाब एंड चंडीगढ़ फ्रॉम 1983 टू 1997. इट हैज बीन इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1990s. यू कैन सी इट हियर. History, first time by the British it was brought out in Quit India movement. Now why is it so infamous? Why is it so in controversy? It gives special powers to armed forces personnel to arrest anyone without a warrant, stop and search any vehicle on suspicion, enter and search any premises without a search warrant, fire upon any person who has refused to heed to a warning on law and order. Agar kisi ne warning nahi dhyan diya, fire can be opened. Wahi hua hai जो कल का इंसिडेंट हुआ है, देखा आपने, ठीक है. डिस्ट्रॉय एनी ट्रेनिंग कैंप, हाइडआउट्स या आर्म्स डंप साइट एंड आर्मी ऑफिसर्स हैव लीगल इम्यूनिटी फॉर देयर एक्शंस. ये देखिए, फॉर कैरिंग आउट सच एक्शंस. ये देखिए, तो दिस यू कैन सी टू फायर अपॉन एनी पर्सन हु हैज रिफ्यूज्ड टू हीड टू अ वार्निंग. शायद यही हुआ होगा जो कल सिविलियंस मारे गए. प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट हैज बीन, प्रोटेस्ट कौन करेगा? टेल मी स्टूडेंट्स. यस, इंसर्जेंट ग्रुप्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे. वो तो वहां चाहते ही है कि हम लोग, मींस द इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंसी इज कैच अप, बट द लोकल्स दे माइट बी डूइंग ऑल्सो. यस, स्पेशली आफ्टर सच इंसिडेंट. लोकल्स ऐसे नहीं करते हैं प्रोटेस्ट. लोकल्स तभी प्रोटेस्ट करते हैं, मीन्स लोकल सिविलियंस, ठीक है, दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी प्रॉब्लमेटिक एक्टिविटीज, वो तभी करते हैं प्रोटेस्ट जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है. आई होप यू एग्री विद मी, टेल मी इन द चैट बॉक्स. गेटिंग द पॉइंट. और ये देखिए, ये प्रॉब्लम क्या, द एक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इफ इन देयर व्यू एनी एरिया हैज बिकम डिस्टर्ब्ड. स्टेट गवर्नमेंट टू कैन डिक्लेयर द एरिया हैज डिस्टर्ब्ड. दोनों को पावर दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकार को. Controversy. Many cases of human rights abuse have been reported under AFSPA. देखिए, जब भी कोई, ध्यान दीजिएगा, if any law gives excessive power to counter any insurgencies anywhere, तो excessive power से अगर insurgency counter करने के excessive power दिया गया है, it's good, ठीक है, but क्या उसके साथ responsible use of power का भी concept है? Tell me in the chat box. क्या ये रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर का भी कंसेप्ट है? टेल मी. इसीलिए कहते हैं विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे हैज कम अप 4 years बैक, द ऐसे वाज आस्क्ड, विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. यस, तो कभी 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 पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है वहां पे. मींस कुछ पर्सनेल, सम पर्सनेल माइट बी यूजिंग इट. पनिशमेंट मिला है, बट देयर एक्ट वॉज नॉट, जो एक्ट उन्होंने किया, इट वॉज नॉट, मीन्स ऐसा होना भी नहीं चाहिए था. सेकेंड पॉइंट, अब देखिए कल का जो इंसिडेंट है, मिस्टेकन हो गया सब कुछ गलत हो गया, ठीक है. प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द यूज ऑफ सच पावर, दैट वॉज इट. कल मिस्टेकन हो गया, 15 पीपल वर किल्ड. अब आप बताइए, 15 पीपल कहीं किल होते हैं तो मींस इन एनी विलेज लोकल लेबर माइनर्स, कोल माइनिंग लेबर्स हैं. टेल मी, उसके बाद अगर आप माफी मांग, मींस माफी मांगी जाती है तो, बट
someone has been killed in that, क्या उससे परिवार पे असर पड़ेगा, क्या उस गांव पे असर पड़ेगा, क्या उस समाज पे असर पड़ेगा? इसीलिए प्रोटेस्ट लोकल्स भी करते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और यही वजह है स्टूडेंट्स दैट देखिए, किसी भी लॉ को या तो एक ही शीशे में देखना मुश्किल है, या तो पूरा अच्छा या पूरा खराब. नो, एवरी लॉ हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एज कैन बी सीन नाउ आउट हेयर. सच लॉज आर नीडेड. सच लॉज आर नीडेड. यस, दे आर द नीड ऑफ द आर टू काउंटर इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट. बट दीज लॉज नीड आर रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर, नॉट अ इरेस्पॉन्सिबल यूज. दीज लॉज नीड अ इंटेलिजेंस इनपुट, अ प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट. दीज लॉज नीड दैट द पर्सन हु इज आउट देयर फ्रॉम द आर्मी हु इज यूजिंग दीज पावर्स मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग द पावर. डू यू एग्री? यहाँ एथिकल यूज ऑफ दीज पावर्स, यही वर्ड आ गया यहाँ पे. अब देखिए, बिल्कुल कानून चाहिए ऐसा, लेकिन कानून का एथिकल यूसेज भी चाहिए उस जगह पे. किसी को भी, कोई भी आर्मी के पर्सनल को वहाँ पे दो बार सोचना पड़ेगा, तीन बार सोचना चाहिए. किसी की जान चली गई वहाँ पे, सोचिए इस कंडीशन को. सो दिस इज इट, एंड दिस बॉस्ड अप ऑपरेशन ऑफ आर्मी इज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम. द सेंटर हैज रीच्ड आउट टू द नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स. ये देखिए, रीच आउट करने का मतलब ही होता है दैट मीन्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, गलती हो गई. लेकिन गलती अगर हो गई तो अब सिविलियंस मारे गए, दो बार सिविलियंस को. ऐसे ही कुछ 10-12 ईयर्स बैक भी हुआ था, व्हेन सम वुमेन एंड चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप, या कुछ ऐसे ही था, कुछ ना कुछ हुआ था. उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट ये देखिए, मणिपुर में 6 एनकाउंटर डेथ्स, वुमेन के ऊपर ओपन किया गया था फायर. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जुडिशल इंक्वायरी चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि एनकाउंटर AFSPA के अंडर किसी का भी एनकाउंटर कर दिया जा रहा है. क्या ये चिंता की बात है? टेल मी. सो दिस इज इट आउट हियर. एनी एक्ट और एनी लॉ नीड्स अ रेस्पॉन्सिबल यूसेज ऑन द ग्राउंड, दैट्स इट. इससे आप एक्ट या लॉ पे सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, आप उसके यूसेज पे ही सवाल खड़े कर सकते हैं. Such acts and such laws are needed on the border areas because insurgencies are being supported by state and non-state actors from the neighboring countries. Example, China and Myanmar. Yes, Myanmar ke terrorist groups and China ka to state, China to state actor hi hai. Wahi support karta insurgencies India ke northeast mein. So these acts are needed. Need of the hour, yet a responsible use is a must. Aapko ye batana padega wahan pe. ठीक है, सो दिस इज इट. और इंटेलिजेंस इनपुट्स दो बार डबल चेक होना चाहिए. आई होप यू एग्री. डबल चेक, ट्रिपल चेक, तब जाकर देखिए इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है यहाँ पे. बहुत चिंता की बात है ये. तो इंटेलिजेंस को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है किसी भी ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं. एंड इंटेलिजेंस इनपुट्स अगर खराब निकल गए तो चिंता की बात है. पता है क्यों चिंता की बात है? क्योंकि जो सही में क्रिमिनल है वो निकल गया होगा, और जो लोकल्स हैं वो फंस गए यहाँ पे. ये देखिए, गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स. तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का न्यूज, ये देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, प्रोज एंड कॉन्स, एंड व्हाई हैज बीन इट इन कंट्रोवर्सी. और देखिए यहाँ पे, इस जगह पे ये इंटरनल सिक्योरिटी के न्यूज़ में लिंकेजेस, ध्यान दीजिएगा, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, यहीं पे न्यूज़ आएगा. ठीक है, NSCN IM ग्रुप, NSCN खापलांग ग्रुप, ठीक है, ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ये चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे, गेटिंग द पॉइंट. नहीं, देखिए कुछ जगहों पे फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के, ठीक है, कुछ जगहों पे, इसीलिए ना वहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था. दिस आयरॉम चानू शर्मिला, द नेम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी, शी वेंट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक फ्रॉम 2004. ये देखिए, हंगर स्ट्राइक, इन्होंने 2004 से ये हंगर स्ट्राइक पे थी,
और इनको फीडिंग पाइप से इंजेक्शन से खाना दिया जा रहा था टू कीप हर अलाइव। 2015 आई सपोज शी ब्रोक हर हंगर स्ट्राइक टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस इन नागालैंड। ये देखिए 2004 से 2015 तक, थोड़ा देखिएगा, फेमस पर्सनैलिटी। जस्ट सी हर लाइफ एंड शी इन्वेस्टेड हर 10 ईयर्स इन हंगर स्ट्राइक ओवर, मीन्स द AFSPA शुड बी विदड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, हर डिमांड्स वर देयर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा न्यूज़ ये, दिस ओवर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड यस, लेट मी टेल यू, द इंसर्जेंट ग्रुप्स आउट देयर आर हैविंग लिंक्स विद द एक्सटर्नल ग्रुप्स इन म्यांमार एंड चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज आज का इंडियन पॉलिटी का, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आर निगलेक्टेड केस। चीफ जस्टिस मिस्टर एन वी रमन्ना ने कहा दैट एक सेंट्रल एजेंसी क्रिएट की जाए जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का, कोर्ट्स का क्या हाल है, कोई आके देख ले इंफ्रास्ट्रक्चर में और फिर सजेस्ट करे कि भाई इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। टेबल चेयर तक नहीं है प्रॉपर वहाँ पे। इसी को लेकर एन वी रमन्ना कह रहे हैं दैट अ नेग्लेक्टेड केस इज दैट ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज जुडिशियल रिफॉर्म्स। यस, ये देखिए अब आप कहिएगा कि सर थोड़ा बताइए इसको डिटेल में। आइए देखते हैं क्या है ये न्यूज़ डिटेल में। ये देखिए मैप आ गया सामने। ये देखिए टोटल अमाउंट यूटिलाइज्ड, टोटल अमाउंट रिलीज्ड, टोटल अमाउंट रिलीज किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंटर के द्वारा 981 करोड़। कितना इस्तेमाल हुआ? 84 करोड़। किस बात की कमी थी? यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में किस बात की कमी है कि आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। ये देखिए पैसा लैप्स कर जा रहा है। ठीक है, पैसा लैप्स कर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे हैव अ लुक, ये देखिए इस कितने स्टेट्स में टच ही नहीं किया गया है पैसा। ये देखिए बिहार में 87 करोड़ नॉन टच्ड, उत्तर प्रदेश में 169 करोड़, 169 करोड़ एंड 0.77 करोड़ स्पेंट। उत्तराखंड कुछ नहीं, हिमाचल प्रदेश कुछ नहीं, सिक्किम कुछ नहीं, ये देखिए वेस्ट बंगाल कुछ नहीं, टच ही नहीं किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे गुजरात नो, मध्य प्रदेश नो, महाराष्ट्र नो। ये देखिए नोवेयर हैज इट बीन टच्ड। ठीक है, दिल्ली सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, दिल्ली में सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हुआ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा रिलीज किया गया अभी तक। हरियाणा नो यूसेज, राजस्थान यूज इट टू सम एक्सटेंट, ओडिशा ऑल्सो यूज इट, बस दैट्स इट। एंड ये देखिए दिस सिग्निफाइज 981 करोड़ लैप्स कर गया, वापस चला गया फंड, वापस चला गया पैसा। क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी है इसमें? आइए देखते हैं व्हाट द सीजीआई सेइंग। ऑफ द टोटल 981 करोड़ सैंक्शन इन 2019-20 अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कोर्ट्स, 84.9 करोड़ वॉज यूटिलाइज बाई कंबाइंड 5 स्टेट्स, रेंडरिंग 91% फंड्स अनयूज। ये देखिए इस जगह पे द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज नॉट एन एनोमली। अब बोलेगा सर COVID-19 के कारण सर हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वही लिखा हुआ है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ COVID-19। द इश्यू हैज बीन प्लेगिंग द इंडियन जुडिशरी फॉर 3 decades व्हेन द CSS सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम टू डेवलप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इंट्रोड्यूस इन 1993-94। 30 साल हो गए हैं, 1 साल ठीक से पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। 30 ईयर्स इज टू मच स्टूडेंट्स, 30 ईयर्स में न पैसा इस्तेमाल हुआ। हर साल यही होता है, 90% ऑफ द फंड्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। शायद कितने जगहों पे तो फंड्स ही कहां से आए हैं, क्यों आए हैं नहीं पता है, वापस चले गए पैसे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एन वी रमन्ना रिसेंटली प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ अ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इज टॉकिंग अबाउट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी विच विल टेक कंट्रोल ऑफ बजटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री। वो कह रहे हैं कि नहीं काम हो रहा है स्टेट से, छोड़ दीजिए, एक अलग से ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट कीजिए, वो चेक करेगा, वो देखेगा कैसे क्रिएट किया जाए। एंड ही इज राइट आई सपोज इन दैट। ये देखिए एंड वॉट जस्टिस आर वी टॉकिंग अबाउट इफ द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड।
सबॉर्डिनेट कोड्स की कंडीशन इतनी खराब है, यू जस्ट गो एंड सी देर आर इवन द फर्नीचर इज नॉट देयर, प्रॉपर टेबल एंड चेयर, अलमीराज नहीं है फाइल्स रखने के लिए, ये कंडीशन है कहीं कहीं पे। ये देखिए, गुड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन आफ्टर थॉट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट दैट कोर्ट्स इन इंडिया स्टिल ऑपरेट फ्रॉम डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर फंक्शन। मैंने कहा ना, दीमक फाइल्स को चाट रहे हैं, कंडीशन इतनी खराब है, पुराने रूम है, सीलन भरा हुआ है रूम में, एवरीवेयर प्रॉब्लम्स। एंड स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, द इंडियन जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नॉट केप्ट पेस विद द शीयर नंबर ऑफ लिटिगेशंस इंस्टीट्यूटेड ईच एवरी ईयर। अ पॉइंट सीमेंटेड बाय द फैक्ट दैट द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इज 24,000 इन द कंट्री, बट द नंबर ऑफ कोर्ट हॉल्स अवेलेबल इज जस्ट 20,000, इंक्लूडिंग 620 रेंटेड हॉल्स। सोचिए, जुडिशरी सबॉर्डिनेट रेंटेड हॉल से काम कर रही है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सोचिए कंडीशन। एंड जुडिशरी इज द थर्ड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सोचिए, अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक तीसरा ब्रांच है और उसका ये कंडीशन, रेंटेड हॉल, वो भी 24,000 ऑफिसर्स हैं तो कम से कम सबके लिए एक हॉल्स अवेलेबल होना चाहिए, तो उसमें भी 4,000 की कमी है। देखिए, have a look. Also, there are only 17,000 residential units, including 3,988 rented ones. Now, judiciary is something which should have its own permanent setup in every state. As much as 26% of the court complexes do not have separate ladies' toilets, and 16% do not have even gents' toilets. You can see. Only 32% of the courtrooms have separate record rooms, and only 51% of the court complexes have a library. You can see. लाइब्रेरी नहीं है पुराने केसेस पढ़ने के लिए, कैसा जस्टिस मिलेगा आप सोच लीजिए वहां पे। सो दिस इज इट, मींस नो वन हैज केप्ट इट ऑन प्रायोरिटी। आई सपोज यू आर गेटिंग द हिंट ऑफ मिस्टर सीजेआई मिस्टर एनवी रमन्ना दैट नो वन हैज केप्ट इट ऑन प्रायोरिटी। ये देखिए, एंड ये देखिए, ओनली 5% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैव बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज एंड 51% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज हैव अ लाइब्रेरी। ये देखिए, तो अब जब खुद बताइए आप, जब हाइब्रिड सिस्टम पे शिफ्ट करना पड़ा पैंडेमिक में, तो कैसा हाइब्रिड सिस्टम चल रहा होगा, यू कैन ईजिली गेस आउट हियर। ये देखिए, यू कैन सी इट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे चलेगा, कैसा रूम होगा, आप खुद इमेजिन कर लीजिए। दिस इज वाई द सीजीआई इज एंग्री एंड ही इज टॉकिंग दैट ये जो ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट होगा उसको ऑटोनॉमी दिया जाए। देखिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये देखिए, ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड फॉर द नीड फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द जुडिशरी, कि वो इसको खुद पैसा ये दे दीजिए, इसको किसे, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और ये किसके अंडर में काम करेगा, सेंटर के अंडर में, नो, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट संभाल लेगा सब कुछ, आप इसको पैसा दे दिया। That's it. The remaining fund expired का समझ में आ रहा है, वापस financial year के end में वापस चला गया अपनी जगह पे। So this is the condition, and I suppose he is talking about a financial autonomy for the judiciary as far as this institution is concerned. And this is why देखिए, the current fund sharing pattern of central sponsored scheme, ध्यान दीजिएगा, जो अभी का चल रहा है फंडिंग का, इज 60:40 सेंट्रल टू स्टेट, यानी 980 करोड़ में 60% फंडिंग सेंटर कर रहा है एंड 40% स्टेट्स कर रहा है। इसी को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव कंट्रीब्यूशंस, बट इट डिपेंड्स कि क्या रेशियो में कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए यहाँ पे, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इट्स 90:10 इन दिस स्कीम। ये देखिए, एंड यूनियन टेरिटरीज गेट 100% फंडिंग फ्रॉम इन दिस स्कीम, दैट्स इट। तो इफ द स्कीम, इफ दिस नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड अंडर द गवर्नमेंट, इट विल बी मच लाइक द करंट स्कीम, नोबडी विल बॉदर, ही इज सेइंग। There has to be a special purpose vehicle driven by a sense of passion with a degree of authority, and it will come from Supreme Court. ये देखिए,
Getting the point and institutionalizing the mechanism for augmenting. Very good words he has used. Institutionalizing the infrastructure mechanism for augmenting and creating state-of-art judicial infrastructure is the best gift that we can think of giving to our people and our country in the 75th year of independence. This is what the CGI is talking about, that justice, kaisa justice milega logon ko agar infrastructure hi nahi hai, to ye dekhi. Agreed. So judicial reforms and the topic comes up, link this. And if any question, ek full-fledged question bhi aa sakta hai yahan pe. Examine the need of autonomous, ye dekhi. Examine the need of an autonomous mechanism of funding the judicial infrastructure in the subordinate courts. अभी कौन देख रहा है? सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट्स इट. 10 मार्क्स 150 वर्ड्स. Examine the need of an autonomous mechanism of funding the judicial infrastructure in the subordinate courts. Do you agree? Subordinate क्या high courts में भी चाहिए भाई, ठीक है. और ऐसी condition में need का मतलब क्या है, क्यों चाहिए, लिखिए वहां पर. Fund lapse किया, पहला point. Second point, some states even didn't utilize the funds. Third point, in the times of COVID, when the courts went for hybrid mechanism, Wi-Fi, broadband, ठीक है. फोर्थ पॉइंट, ऐसे करके आप पुट अप करते जाए यहां पे क्या जरूरत है. चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है. एक सवाल ये बनेगा जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देख लीजिएगा और एंड कीजिएगा. जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना जस्टिस एक ऐसा शब्द है, एक शब्द है जो केवल पेपर में रह जाएगा. विदाउट अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट इज जस्टिस? नो नथिंग, नो जस्टिस. चलिए आगे बढ़ जाए. इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक न्यूज आया है, ये देखिए. द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर एस जयशंकर फ्लैग्स शार्पनिंग ऑफ टेंशंस ऑन टेरिटोरियल इश्यूज अक्रॉस एशिया अमिड्स राइज ऑफ चाइना. कहाँ बोला इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है. क्या बोला इन्होंने, वही चीज है, चाइना को लेकर डर है कायम सारे देशों में. यस, टेरिटोरियल इश्यूज में चाइना कुछ ज्यादा ही अभी दिखा रहा है अपना एग्रेशन. एक्सेप्टेड, एग्रीड. चाइना हैज बीन ऑन द राइज इन द लास्ट 2 ईयर्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. यस, हमें बहुत परेशान कर चुका है चाइना. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अरुणाचल प्रदेश में भी, सिक्किम में भी परेशान कर रहा है चाइना. अरे फंड लैप्स करने के पीछे कोई रीजन नहीं है, मैं बता दूं आपको. फंड लैप्स इसलिए करता है बिकॉज ऑफ निगलेक्ट. मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारे एरियाज हैं जीएस में, अचानक कुछ लोग कहते हैं कि सर हमसे, सर मिडिवल इंडिया सर हम नहीं पढ़ पाए सर इस बार. वाई नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाए? निगलेक्ट. तो फंड लैप्स ऐसे ही करता है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. इट्स निगलेक्ट, ठीक है. इसको बाद में देखेंगे. पहले क्या देखना है, प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है सही से. तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ये चाइना के राइस को लेकर ये क्यों स्टेटमेंट इन्होंने कहाँ जारी किया. इट्स द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन अबू धाबी यूएई, देखिए यहाँ पे. तो फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ही देखिए. द कंसिक्वेंसेज ऑफ चाइनाज राइज एंड इट्स ग्रोइंग कैपेबिलिटीज आर पर्टिकुलरली प्रोफाउंड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज सेड. ही फ्लैग्ड शार्पनिंग ऑफ टेंशंस ऑन टेरिटोरियल इश्यूज अक्रॉस एशिया विद बीजिंग्स एक्शंस रेजिंग अ क्वेश्चन मार्क. ही वॉज स्पीकिंग एट द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन अबू धाबी, ये देखिए. एंड दिस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, क्या इसमें कंट्रीज आती है? नहीं, इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. They don't represent the countries. They just represent
means they represent the people present in this conference represent the ministers, the experts, the politicians, the administrators from across the countries of Indian Ocean region. इसे कौन ये कॉन्फ्रेंस कौन करवाता है? ये पांचवा कॉन्फ्रेंस हुआ है, कौन करवाता है? इट इज कैरिड आउट बाय, यू कैन सी, ये देखिए, इट इज कैरिड आउट बाय इंडिया फाउंडेशन. ये देखिए, तो इंडिया फाउंडेशन इज अ इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर इन न्यू दिल्ली फोकस्ड ओवर इश्यूज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंडियन पॉलिटी. ये देखिए, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर है और वही अभी ग्लोबल कंटेक्स्ट और इंडियन कंटेक्स्ट को लेकर सामने, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहा है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस. ये देखिए, इट्स अ टीम ऑफ डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स बेस्ड इन न्यू दिल्ली. द फाउंडेशन वर्क्स विद पार्टनर्स एंड एसोसिएट्स बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज टू फर्दर इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. ये देखिए, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इकोलॉजी इकोनॉमी पैंडेमिक, यही नाम था इस बार का. ये देखिए, इकोलॉजी इकोनॉमी पैंडेमिक एंड चाइना हैज, चाइना का जो प्रेजेंस है वो हर जगह इम्प्रिंट दिख रहा है. अनईजी अनईजी हो गई है कंट्रीज, इसी की बात कर रहे थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. ये देखिए, अब कहिएगा कि सर यहां से प्रीलिम्स का सवाल आ सकता है. यस, प्रीलिम्स का सवाल आ सकता है, व्हाट इज इंडिया फाउंडेशन, ठीक है, एंड ये व्हाट इज दिस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, द फिफ्थ समिट वाज हेल्ड, व्हाई वाज मिस्टर एस जयशंकर फोकसिंग अपॉन चाइनाज टेरिटोरियल इंटेंशंस, क्योंकि इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ये देखिए, एंड ध्यान दीजिएगा, उसके बाद साउथ चाइना सी में चाइना ने क्या कर दिखाया है सबको पता है. ये देखिए, तो ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पांचवा था. यस, इसके पहले कहाँ कहाँ हुआ ये भी आ सकता है. देखिए, सो इट वाज स्टार्टेड ऑफ इन सिंगापुर इन 2016, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस, फॉलोड बाय श्रीलंका वियतनाम एंड मालदीव्स, नेक्स्ट थ्री, और उसके बाद अब अबू धाबी यूएई, दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा इंफॉर्मेशन, देख लीजिए, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज कमिंग अप. साइंस एंड टेक में जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक में एक न्यूज, एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस डे बिफोर यस्टरडे, व्हाट्स इन एआरटी एंड सरोगेसी बिल्स. लोकसभा हैज पास द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल आफ्टर द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2 years अर्लियर. व्हाट्स द डिफरेंस एंड हाउ डज द न्यू बिल प्रपोज टू रेगुलेट एआरटी. आइए देखते हैं. On Wednesday, Lok Sabha passed the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020, which makes provisions for safe and ethical practice of assisted reproductive technology services in the country. Another key bill to safeguard the reproductive rights of women, the Surrogacy Regulation Bill 2019, was passed by Lok Sabha in August 2019. This one was referred to a select committee, which recommended that the ART bill should be brought first, so that highly technical and medical aspects could subsequently be addressed in surrogacy bill. So, pehle ART bill isliye laya gaya, committee ne kaha tha. Ye dekhiye committee ka role, committee agar parliamentary committee ka role hota hai executive ko answerable banana, accountable banana, aur kabhi kabhi direction dena kaise kaam karna hai, ye dekhiye. So the parliamentary committee is directing the executive how to carry out the passage of the bills. You can see it here. What's the difference? The surrogacy regulation bill relates to surrogacy and infertility treatment where a third person, a woman, is the surrogate mother. Suna hai aapne iske bare mein? Surrogate mother, yes, the third person. And uske rights ko lekar. So third person, another woman comes up in picture who carries the child of the couple. That's it. एंड दिस सरोगेट मदर, सरोगेसी को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स उठे थे बीच में, उसी को लेकर ये इतना ज़्यादा दिस, उसके राइट्स को लेकर, सरोगेट मदर का एक्सप्लॉटेशन ना, उसको लेकर ये बिल लाया गया. इन एआरटी ध्यान दीजिएगा, व्हाइल इन एआरटी, व्हाट इज एआरटी? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इट्स अ बिगर वर्ड.
Treatments can be availed by the commissioning couple themselves and it is not necessary that a third person is involved. इसका मतलब है अगर आप बोलेगा तो मैं यहाँ बना रहा हूँ. ART is a wide word. Assisted reproductive technology. Assisted means help करना. किस चीज़ में? Reproduction के function में. That's it. By the use of tech. अब ART का एक sub division है surrogacy. ये देखिए. Agree कर रहे हैं? Tell me. ठीक है, एग्री कर रहे हैं. सरोगेसी. मैनी अ टाइम्स अ सरोगेट इज नॉट नीडेड बाय द कपल. हो सकता है कुछ दिक्कतें आ रही हो एंड इन दैट केस लैब में फर्टिलाइजेशन करके वापस, ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन करके, एग का फर्टिलाइजेशन करके वापस दिस एम्ब्रायो को, एम्ब्रायो, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को वापस डाला जाता है सीम मीन्स द women में. The surrogate mother is not used out here. ये भी एक तरीका है assisted reproductive technology का. Getting the point? Or always surrogate mother is not needed. मैंने बस एक example put किया. Assist करना by the use of technologies. तो इसलिए ART पे पहले regulations, इसका ethical practice हो. क्योंकि ART में ethical practice हो सकता है, missing हो सकता है. इसीलिए पहले इसके ऊपर parliamentary committee ने कहा पहले इस पर बात कर लें, उसके बाद इस पे अलग से स्पेशलाइज्ड बातचीत करेंगे. ये देखिए, तो हैव अ लुक आउट हियर. सरोगेसी इज अलाउड फॉर ओनली इंडियन मैरिड कपल्स. ये देखिए, एआरटी प्रोसीजर्स आर ओपन टू मैरिड कपल्स, लिव इन पार्टनर्स, ध्यान दीजिएगा, सिंगल वुमेन एंड ऑल्सो फॉरेनर्स, एआरटी, बट सरोगेसी ओनली फॉर इंडियन मैरिड कपल्स. अ 2015 नोटिफिकेशन प्रोहिबिट्स कमिशनिंग ऑफ सरोगेसी इन इंडिया बाय द फॉरेनर्स और PIO और OCI holders, card holders, overseas citizen of India या persons of Indian origin card holders. But NRI holding Indian citizenship can avail surrogacy. ये आ सकता है, prelims में तैयार कर लीजिएगा, देखिएगा. Foreigners can visit India under medical tourism to avail ART services. Okay. Under the surrogacy bill, there will be a national surrogacy board. Surrogacy bill अभी जो pending चल रहा है. National Surrogacy Board that will be involved in policy making and acting as supervisory body. And state boards उसके अंडर में रहेंगी which will act as executive implementing bodies. ये देखिए, जब भी दो levels पे आप किसी field में आप bodies create करते हैं, institutions create करते हैं, the central body is the policy making, the state bodies are the implementing agencies. The ART bill on the other hand provides for a national board with the powers vested in a civil court under the code of civil procedure. ये देखिए, कोर्ट के पावर्स दिया जाएगा उस बोर्ड को. And according to the health ministry, the estimated number of clinics practicing surrogacy in India is likely less than 1000, while those practicing ART is likely more than 40,000. This is the reason it needs to be regulated. Regulation of the sector is needed. That's it. So why was the ART bill felt necessary? The growth of ART clinics in India is amongst the highest in the world and is a key part of medical tourism. They offer gamete donation, intrauterine insemination, in vitro fertilization IVF treatment, intracytoplasmic sperm injection and pre-implantation genetic diagnostics. Ye dekhiye, iska matlab saaf hai, UPSC puch dega that ART में कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं. नाम देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है नेम्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, इंडिया डज नॉट हैव अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ART क्लिनिक्स येट. अमिड क्वेश्चंस रेज्ड ऑन देयर एथिकल, मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, द लोकसभा पास द बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ ART क्लिनिक्स एंड ART बैंक्स. इज इट नीडेड? टेल मी स्टूडेंट्स, what is an ART bank? Under the bill, ART will include all techniques that attempt to obtain a pregnancy by handling the sperm or the egg outside the human body. Ye dekhiye, in the natural fertilization, it happens inside the womb of the mother, and yahan pe bahar mein, outside the human body, and transferring the gamete or the embryo into the reproductive system of the woman after that. So this is the concept of ART, जिसमें assisted reproductive technology कहते हैं.
It defines an ART bank as an organizational setup to supply sperm or semen, oocytes or oocyte donors to ART clinics or their patients. So this needs to be regulated, of course. और ये देखिए, हाउ विल एआरटी सर्विसेज बी रेगुलेटेड, नेशनल बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री, देखिए डेटाबेस ऑफ द क्लिनिक्स एंड बैंक्स, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन चाहिए यहाँ पे, यस, यही सारी चीज़ें एआरटी के दिस बिल में लाया गया है। एंड रजिस्ट्रेशन सबसे नेसेसरी होगा, ग्रांट, सस्पेंड, कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरटी सेंटर्स, सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्स द स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, एथिकल एंड लीगल बैकअप टू एआरटी इन द कंट्री, यस, ये देखिए। तो यही दिया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे, और दिस ओवर द दिस कंप्लीट बिल, अब ये एक्ट में जैसे ही बनेगा विद मॉडिफिकेशंस, इट विल कम अप, इट विल बी रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। सरोगेसी इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक, उसमें IVF का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ART का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद द एम्ब्रायो इज प्लांटेड इन द वूम्ब ऑफ द अनदर मदर, गेटिंग द पॉइंट, अनदर वुमेन, द सरोगेट वुमेन, दैट्स इट। इस पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, कन्फ्लिक्ट नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर पता ही नहीं था पहले, ध्यान दीजिए। इज दिस अ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक, यस, इसके ऊपर पहले डिटेल पता ही नहीं था कि कैसे कैसे कहां कहां पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं। स्लोली स्लोली जैसे जैसे मालूम चला, उसके बाद उसी वजह से ये बिल लाने की जरूरत पड़ी है, नथिंग एल्स, गेटिंग द पॉइंट, इट्स जस्ट दैट दिस सेक्टर शुड बी रेगुलेटेड, यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज इन दिस द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व, जो फ्यूचर में जिसका बर्थ होगा, द लाइफ ऑफ अ सरोगेट मदर इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व, एंड ऑल्सो द कपल्स, वो उनके कपल के जो भी सेंटिमेंट्स हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड, इट्स गोइंग टू बी इन्वॉल्व, दिस इज वाई इट्स नीड। तो बस सब कुछ लीगली हो, बस यही इस एक्ट का एक एम है, और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए पूरा सेक्टर, यही एम है, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, आगे बढ़ें स्टूडेंट्स। तो मींस इट सीक्स टू रेगुलेट, अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स भी है, एडिटोरियल्स आएंगे, विल बी सीइंग इट, नो नीड टू वरी। सरोगेसी इज अ फुल फ्लेज्ड टॉपिक, जहां पे प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं इंडिया में, हम बताएंगे उसको, ठीक है, जब अलग से बिल लाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, वोल्केनो इज साइंस एंड टेक का, वोल्केनो स्प्यूज एश लावा, वन किल्ड डजन्स इंजर्ड इन इंडोनेशिया, जावा आइलैंड, माउंट सेमेरू वोल्केनो का नाम है, सेमेरू वोल्केनो जावा आइलैंड पे, जावा आइलैंड इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, इनफैक्ट हर तीन लोग जो इंडोनेशिया के हैं उसमें से दो लोग जावा पे रहते हैं, ये देखिए। तो 66% ऑफ पीपल ऑफ इंडोनेशिया लिव ऑन जावा आइलैंड, ये देखिए, जकार्ता उसी का कैपिटल, और यहीं पे माउंट सेमेरू एरप्ट कर गया, ये देखिए, ये पूरा रीजन ही रिंग ऑफ फायर में आता है, रिंग ऑफ फायर, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड स्टूडेंट्स, ये देखिए, दैट्स इट, रिंग ऑफ फायर, प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, रिंग ऑफ फायर मींस पैसिफिक ओशन इज सराउंडेड बाय कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एज आई टॉट इन फिजिकल ज्योग्राफी लेसन्स, ये देखिए, प्रिलिम्स का बस सवाल, सेमेरू कहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे क्राकतोवा वोल्केनो है, ये जावा और सुमात्रा के बीच में क्राकतोवा वोल्केनो, उसका तो अलग ही गुस्सा है, मैं बता दूं उस वोल्केनो का, जब वो एरप्ट करता है तो ऑस्ट्रेलिया तक आवाज जाती है और अंडमान तक आवाज आती है, सोच लीजिए, क्राकतोवा वोल्केनो देख के ही डर जाते हैं शिप्स कितनी बार, अगर वो गुस्से में चल रहा है तो। Eruption कभी कभी हुआ है, such a eruption that it has blocked the passageway in between, यहीं पे इसी बेल्ट को सुंदा स्ट्रेट भी कहते हैं, सुना होगा आपने सुंदा स्ट्रेट, ये देखिए, मैंने ये पढ़ाया था आपको फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस और मैपिंग की क्लासेस, क्लियर है, सोचिए ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ अंडमान निकोबार में तैयारी कर रहे हैं, आप मान लीजिए UPSC की, अचानक से eruption,
इतनी दूर एरप्शन और वहां तक आवाज आ रही है. इट्स इन द सी, अलग से माउंटेन है, उसे किसी आइलैंड की जरूरत नहीं है. कहता मैं अकेले ही काफी हूं यहां पे. चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट. सो दिस इज इट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट. माउंट सेमेरू, ठीक है. नेक्स्ट ये देखिए, हैदराबाद बेस्ड रॉकेट मैन एम फॉर द स्टार्स, द टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक इंजन. व्हाट अ अचीवमेंट बाय दीज टू पीपल, एक्स आईआईटीएस. नाउ दिस शोज द टैलेंट टैलेंट फ्रॉम द इंडियन इंडियाज टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स. क्रायोजेनिक इंजन, और ये शो कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर तैयार है अब एंट्री करने के लिए स्पेस साइंसेज में. डू यू एग्री, टेल मी. इट शोज क्रायोजेनिक इंजन अपने आप में. इंडिया ने, इंडिया के पास 90s में नहीं था. इसरो वेंट ऑन टू बिल्ड इट इन 2008, और उसका GSLV मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 रॉकेट्स लॉन्च किए गए क्रायोजेनिक इंजन इंडिया का लेकर. और देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद पहली बार देखिए व्हाट इज क्रायोजेनिक्स, मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है. क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे काम करने वाला इंजन. ये देखिए, एंड क्यों लो टेम्परेचर पे क्यों इंजन को काम करवा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ फ्यूल. व्हाई लिक्विड हाइड्रोजन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट थ्रस्ट. ये देखिए, ग्रेटेस्ट थ्रस्ट, इतनी तेजी से पुश करेगा रॉकेट को कि सीधा रॉकेट जाएगा दिस 35,000 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस. सोचिए, इमेजिन कीजिए. These technologies are helping India for interplanetary missions. Yes, push karna Earth ki gravity ke bahar with the thrust. Ye dekhiye. So that's it. Ab, lekin is tech ko feasible karna bahut tough hai. Liquid hydrogen aisa nahi hai ki pani ki tarah handle kariyega ki pani leke chal rahe glass mein, waise liquid hydrogen lekar chal rahe glass mein. No, it's nearly 250 degrees Celsius below zero. इन लिक्विड फॉर्म. ये देखिए, वेरी लो टेम्परेचर. सो दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया एज प्राइवेट सेक्टर. और यही वजह है, समय आ गया अब इंडिया को दिस स्पेस में प्राइवेट सेक्टर की फुल फ्लेज्ड एंट्री देने के लिए. क्या अभी जस्ट 3-4 डेज बैक स्पेस साइंसेस के फील्ड में, स्पेस टेक के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर के रोल को लेकर एक एडिटोरियल आया था? टेल मी, एडिटोरियल हैड कम अप दैट इंडिया नीड्स अ फुल फ्लेज्ड दिस प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस की प्राइवेट सेक्टर की को ईजिली एंट्री करवाया जाए स्पेस साइंसेज में. दैट्स इट. तो वेयर टू लिंक दिस न्यूज, इन द स्पेस टेक्नोलॉजी इंडियाज बिग अचीवमेंट, इन प्राइवेट सेक्टर अचीवमेंट इंडियाज बिग अचीवमेंट. दैट्स इट. तो दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये देखिए क्रायोजेनिक क्या होता है, जरूर से पढ़ लीजिएगा. ये इंडिया का कैसा, मींस रशिया से लेना पड़ा इंडिया को पहले, ठीक है. एंड यूएस ने मना कर दिया. यूएस ने कहा भी कि जो देगा इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन मैं देख लूंगा उसे, ठीक है. मीन्स सोचिए, दिस वॉज द कंडीशन विद यूएस एट 1990s. यूएस स्टॉप्ड बिकॉज इंडिया वॉज आस्किंग फ्रॉम इसराइल. यूएस ने कहा कोई नहीं देगा इंडिया को ये दिस क्रायोजेनिक इंजन. लेकिन ये यूएस का ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए फायदा भी कर गया, क्योंकि जब कोई नहीं देगा तो रशिया केम अप. कौन बोला? यू गेट द पॉइंट? हु टोल्ड? कोई नहीं देगा सो आई विल गिव. तो मींस इन दैट, ठीक है, इन रशिया अलाउड टू सेल 7, ठीक है, 7 क्रायोजेनिक इंजिन्स दिया इंडिया को. लेकिन नो टेक ट्रांसफर. ये देखिए, नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. एंड दिस वॉज वाई मीन्स इंडिया को नहीं मालूम चला क्रायोजेनिक इंजन कैसे बनाते हैं. उसके बाद इसरो ने खुद का इंडिजिनस आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया और खुद के टेक से क्रायोजेनिक इंजन बनाया है. अलग बात है, थोड़ा लेट होता है, लेकिन एक अजीब सेटिस्फैक्शन अगर खुद से आपने बनाकर वो टेक घर पे रख दिया. दैट्स इट. गेटिंग इट? सो दिस इज इट स्टूडेंट्स अबाउट द क्रायोजेनिक इंजन. पढ़ लीजिएगा, क्रायोजेनिक इंजन पे पहले फुल फ्लेट क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में. राइट, कम अप अगेन. ठीक है, सो दिस वाज इट. आई सपोज इट्स क्लियर, क्रायोजेनिक इंजन बिल्डअप किया गया प्राइवेट सेक्टर में. इट्स बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया. सेकेंड माउंट सेमेरू, उसके पहले ART क्लिनिक्स, एंड उसके पहले स्टूडेंट्स इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, एंड उसके पहले ये देखिए
दिस जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एंड उसके पहले हैव अ लुक द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. नागालैंड में आर्मी ऑपरेशन गोज और वॉश्ड अप ऑपरेशन प्रॉब्लम्स कम. दैट वाज इट. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. ठीक है, एंड आर्ट एडिटोरियल्स के एनालिसिस में मिलते हैं आधे घंटे में ऑन द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल. वहाँ पे एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स देखेंगे. आज के टू एडिटोरियल्स देखना है हमें. एंड टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडरस्कोर अनुराग सिंह, जहाँ पे आपको ये सेशन लिंक आपको शेयर किया जाएगा. ज्वाइन कीजिए. दैट्स इट. नमस्कार. टेक केयर. जय हिंद.